ये है सलवार की कटिंग कैसे होती है वो आपको बताने जा रही हूँ। ये कपड़ा जैसे मैंने रखा हुआ, ये बड़ा है आपकी समझ में नहीं आएगा, वैसे मैंने फोल्ड किया हुआ है, अब पेपर के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे ये हमारा कपड़ा हो गया, ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है, और इसको ऐसे ऐसे ध्यान से देखना, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है ना, ऐसे इसको कपड़े को मैंने ऐसे ही फोल्ड किया हुआ है। अब जितनी लेंथ है, लेंथ लेके इस साइड से जैसे लेंथ रखनी है हमारी, ये रखी हुई है मैंने, जैसे लेंथ 37 तैयार सलवार है तो 32 यहाँ से ले लिया, और उसके बाद ये है 12 इंच इसका आसन, ऐसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे लंबाई कपड़े की हम नापेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम अपना ऐसे, कपड़ा है मेरा बड़ा है उसमें समझा नहीं पाऊँगी, ये ऐसे हमने इसमें से पोंछा अपना फोल्ड कर लिया है, जैसे जैसे कि ये मैंने आप देख रहे हैं ये मैंने किया हुआ है। ये 8 इंच तैयार रखना है मैंने, 7.5, ये देखो 7.5 मैंने फोल्ड कर रखा है, यहाँ ये पहुँचा मेरा 7.5, और 2 इंच मैंने आगे कुंदे में बढ़ाकर ये 2 इंच यहाँ ले लिया, जैसे इसमें पहुँचाई ऐसे, ठीक। और एक और सिंपल तरीका होता है, जैसे पेपर को ऐसे फोल्ड किया, इसमें थोड़े बल ज़्यादा आ जाते हैं, चुंगटें ज़्यादा बन जाती हैं सलवार में, और अगर बिल्कुल सिंपल सलवार बनानी है आपने, ऐसे आपका कपड़ा होगा तो लंबाई के ऐसे नाप लेना, उसको ऐसे फोल्ड करके पहले उसमें से पोंछे काट लेना 32 इंच के एक तरफ, अगर 37 आपकी लंबाई है, ये लंबाई के हिसाब से होंगे। और उसके बाद हम आसन लेंगे ऐसे कुंदे कुंदे, और फिर आसन वो ऐसे फोल्ड करके वेरी सिंपल, उसमें थोड़े कम चुंबट आते हैं। अब ऐसे ही दूसरी साइड से ही निशान लगाएंगे हम उसके अपोजिट। अब इस साइड से 32 और आगे ये है आसन, मार्जिन के लिए रखा है वैसे 10 इसका मार्जिन, ये आसन 10 इंच तैयार रहेगा। अब यहाँ से भी 2 इंच ले लिया, अब इन दोनों को आपस में ऐसे हम दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिलाकर चौक की सहायता से निशान लगा लेंगे, इन दोनों को आपस में ऐसे इंचटेप की सहायता से दोनों को निशान से मिला दिया। और अब हम करेंगे कटिंग, पे हल्का सा सिलाई के लिए निशान दे देंगे यहाँ, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अलग कर देंगे, वह इसमें से हम अपनी सलवार की बेल्ट बनाएंगे। कई बार नहीं व्यवस्था पूरा पूरा होता है, वो एक्स्ट्रा कपड़े की भी हम लगा सकते हैं।
ये देखिए लगाओ तो बड़े ही आसान तरीके से ये हमारी सलवार कट के तैयार हो गई है। ये जो हमने यहाँ से हम इसको गोलाई में आसन की जगह है जैसे चौरस है कुंदे काटे हैं इसको हम शेप दे देंगे ऐसे ऐसे। ये हमारी सलवार जैसे कि आप देख रहे हैं कट के तैयार हो गई है। अब हम ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम अपनी बेल्ट बनाएंगे। ऐसे कपड़े को डबल कर लिया। अब जितनी आपकी बेल्ट है 25 इंच 26 ताई 28 जितने भी आपके हिप के हिसाब से ये देखिए। अब ये 24 तैयार करनी है 24 और हमने 25 रख ली है। इसकी लंबाई बेल्ट की है 25 इंच और चौड़ाई में नीचे की तरफ है 8.5 इंच। अच्छे से नाप के अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अगर कपड़ा नहीं भी बचता है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कपड़े की भी लग जाती है, शर्ट के साथ की भी लगाई जा सकती है। ये देखिए हमारी बेल्ट सलवार की बेल्ट हो गई है। अब जो ये कपड़ा है पोंचों के नीचे काम आ जाएगा। ठीक है थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी इस धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।